सब्सक्राइब करें विनेश्वर हंड चैनल को, नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों हम आज सीखेंगे इंसर्ट टेप के अंदर इक्वेशन का यूज करना। इक्वेशन का यूज हम क्यों करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पहले मैं बता देता हूँ इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा समीकरण, हम इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण। समीकरण का यूज करते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्मूले निकालने के लिए या फॉर्मूले बनाने के लिए। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं पहले वीडियो में डेमो के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं या उसमें एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे जाके सिंबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन लिख कर इक्वेशन के पॉइंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लॉट ऑफ टाइप की इक्वेशन दिख जाएगी, आप किसी भी इक्वेशन पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं सपोज़ जे वाली इक्वेशन पे क्लिक कर देता हूँ, देखो तो मैंने इस वाली इक्वेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर इक्वेशन आ चुकी है, दिख रहा होगा आपको। इस इक्वेशन में आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वन लिखा है, मैं वन की जगह पे एक्स क्लिक करा, तो यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करके मैंने इसे बैक इस पे दबाया, बैक इस दबा के हमने एक्स दबा दिया। अब जहाँ पे एक्स लिखा मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करके बैक इस पे दबाया और यहाँ पे वाई कर दिया। जहाँ पे एन लिखा है मैंने यहाँ पर सी कर दिया। तो कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, मैं केवल चेंज करना बता रहा हूँ डेमो के लिए, ठीक है, ना ही मैं कोई फॉर्मूला बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पर आप कट करके बैक इस पे से कट कर दिया, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक्स का कट करके यहाँ पे जीरो लिख दिया, और जहाँ पे वन है यहाँ पे बैक इस पे से कट कर क्लिक करके यहाँ पे हंड्रेड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। जहाँ पे एन लिखा है यहाँ पे मैंने टी कर दिया, तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टू लिखा है इस पे क्लिक करके आप कट करा, मैंने एच लिख के यू लिख दिया, जो भी आप लिख सकते हो। तो ये चेंज करना था। यहाँ पे टू एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है, इस पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे 200 कर दिया। तो आपको चेंज करना आ चुका, आप किसी भी फॉर्मूले में इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर पे क्लिक करके बहुत सारे लॉट ऑफ ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे प्रोफेशनल है, लाइनर है, चेंज टू डिस्प्ले, इनलाइन है और जस्टिफाई है। तो एक और मैं एक फॉर्मूला निकाल देता हूँ, फिर इस पर बता दूँ सारा प्रयोग। मैंने यहाँ पे एंटर क्लिक करा, एंटर क्लिक करके मैं नीचे लाइन पर आ चुका हूँ। नीचे लाइन पर आने के बाद मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक करा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद मैंने इक्वेशन पे क्लिक करा, इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट न्यू इक्वेशन। एक मैं नया सवाल बनाना चाहता हूँ या नया क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो एक न्यू पे क्लिक करके बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर शिफ्ट दबाकर 9 दबाया, तो इस टाइप का मार्क आ चुका है। मार्क आने के बाद मैंने यहाँ पर एक्स दबाया और प्लस का मार्क दबाया। ये प्लस का मार्क आप यहाँ सिंबल से भी ले सकते हो, आपके कीबोर्ड में है ऑलरेडी तो वहीं से ले सकते हो, वाई, और शिफ्ट दबा के जीरो। तो मैंने ये कीबोर्ड से दबा दिया और फिर प्लस का मार्क दबा दिया। प्लस का मार्क दबाने के बाद मुझे पाई वाला ऑप्शन, ये स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन चाहिए, स्क्रिप्ट पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पे टू यहाँ पे क्लिक करा। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टू लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, तो टू का स्क्वायर हो चुका है। और फिर मैं स्पेस दबाया, स्पेस। अब यहाँ पे आपको दोबारा से एक बार क्लिक कर लेना, क्लिक करके आप बीच में पहुँच जाओगे। और बीच में पहुँचने के बाद यहाँ पे सिंबल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, पॉइंटर पे, पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद प्लस वाले मार्क पे क्लिक कर देना। ये प्लस वाला मार्क आ चुका है। अब प्लस वाला मार्क में दोबारा स्क्रिप्ट पे क्लिक करा, स्क्रिप्ट पे क्लिक करके दोबारा से क्लिक कर लिया। यहाँ पे मैंने 4 टाइप कर दिया या 5 और यहाँ पे 2, तो 2 हो गया। दोबारा से मैंने यहीं पे दोबारा से देखो यहाँ पे क्लिक कर लेना, आपको क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद अब मैं इक्वल का मार्क दिया, देखो ऊपर इक्वल का मार्क इसके 2 के बराबर में आ रहा है। दोबारा से मैं बैक इस पे से कट कर दिया और दोबारा से मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, क्लिक करा तो नीचे आ गया। देखो मैं दोबारा से इक्वल का मार्क देता हूँ। इक्वल का मार्क आप सिंबल से भी दे सकते हो, कीबोर्ड से भी दे सकते हो। इक्वल का मार्क दें, इक्वल के मार्क देने के बाद मैं इक्वेशन टूल पे क्लिक करता हूँ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर कहोगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने जला फ्रैक्शन क्लिक कर लिया और यहाँ पे लिखा 56 और यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब मुझे मल्टीप्लाई का मार्क देना है। मल्टीप्लाई का मार्क तो कीबोर्ड में होता नहीं है, इस वाले पॉइंटर पे क्लिक करना है सिंबल के। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क दो, ये मल्टीप्लाई के मार्क पे क्लिक करना है, आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है वो आप क्लिक कर दो।
जैसे मैंने 5 क्लिक कर दिया, इस टाइप का मैंने एक डेमो सवाल बना दिया है, डेमो इक्वेशन। तो ये डेमो इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। अब डेमो इक्वेशन तो बना दी, तो यहाँ पर आपको डेमो इक्वेशन दिख रही है। अब इसके इस पॉइंटर पे यहाँ पे देखो, इस पॉइंटर पे क्लिक करना है। पॉइंटर पे क्लिक करके यहाँ पे जस्टिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। जस्टिफिकेशन से आप अपनी इक्वेशन को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन है, सेंटर का ऑप्शन है। तो पहले मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट में आ गए। अब मैं सेंट जस्टिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट में आ गए। और यहाँ पे फिर सेंटर, जस्टिफिकेशन पे क्लिक करें, सेंटर। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पर समय लास्ट में, सेंटर एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप के अंदर आ गए। ठीक है, तो एक ग्रुप के अंदर आए थे, तो सेम पहले ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर है। अब यहाँ पर है चेंज टू लाइन, चेंज टू इन लाइन पे क्लिक करते हैं। तो चेंज टू इन लाइन देखो, एकदम ही थोड़ी चिपक के आ चुकी है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, पहले एकदम थोड़ा खुल के लिख रही थी। दोबारा से हम करते हैं चेंज टू डिस्प्ले, तो इस प्रकार से डिस्प्ले हो गया। अब चेंज टू इन लाइन क्लिक करते हैं, तो एकदम सारी चिपक चुकी है। ठीक है, दोबारा से डिस्प्ले कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है लाइनर और प्रोफेशनल। लाइनर देखो इस प्रकार से शो होता है, एकदम लाइन में, ठीक है, एक लाइन में शो हो रहा है पूरा। अब जैसे प्रोफेशनल क्लिक करते हैं, तो प्रोफेशनल इस टाइप से होता है। तो लाइनर और प्रोफेशनल का समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे इसके बाद है सेव एज न्यू इक्वेशन। अब हम इसे जो हमने इक्वेशन बनाई, इसे हम सेव करना चाहते हैं एक नए नाम के नाम से। ये हमने सवाल बना लिया, इसे सेव करना चाहते हैं, हम इसे सेव भी कर सकते हैं। तो इसी पॉइंटर पे क्लिक करना, सेव एज ए न्यू इक्वेशन पे क्लिक कर देना। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम पूछ रहा है इक्वेशन का, आप नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैंने जैसे रोंग सी सवाल बना दिया, तो मैं डेमो डाल देता हूँ। डेमो, डेमो इक्वेशन, मैंने डेमो इक्वेशन टाइप कर दिया इसका नाम। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में और कुछ डालना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दो। दिस, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, जब मैंने गलत उल्टा सीधा टाइप कर रखा, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन कर, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो ये गलत टाइप कर रखा है, तो मैंने इसे इसका नाम रखा डेमो इक्वेशन और दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करके सेव हो चुका है। अगर हम इसे कट भी कर दो, तो ये कट तो हो जाएगा, फिर जब मेरी इक्वेशन रहेगी। अब मैं इसे कट कैसे करना है, यहाँ पे आपको तीन बिंदु दिख रहे होंगे, इन तीन बिंदु पे आपको क्लिक कर देना है। तीन बिंदु पे क्लिक करने के बाद आपको डिलीट वाले कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबा देना, और डिलीट हो चुके हैं। अब जो हमने इक्वेशन सेव करी है डेमो इक्वेशन के नाम से, तो उसे हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद सिंबल वाले ऑप्शन पे जाना है। सिंबल वाले आप ऑप्शन पे जाने के बाद इक्वेशन लिख कर है, इस इक्वेशन के पॉइंटर पे इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप पॉइंटर पे क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे जाना है आपको। नीचे जाने के बाद देखो यहाँ पर है डेमो क्वेश्चन, डेमो क्वेश्चन पे आपको क्लिक कर देना है, इक्वेशन पे, सॉरी डेमो इक्वेशन, डेमो इक्वेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ जो मैंने अभी बनाई थी। देखो क्लिक करा तो मेरी डेमो इक्वेशन आ चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।